मेरे को मेरा हल्का सा पैर मूव हो गया था, मुड़ गया था, तो उसमें साइटिका का पेन दोबारा आ गया था मई के 24 तारीख को। और मुझे लगा कि जब स्वेलिंग आ गई तो शायद मेरे पैर में मोच आ गई है, ऐसा वैसा होके हमने उस मोच को जैसे कि कुछ मूव लगा के या जैसे आपके हमारे वेस्कियर है उसको लगा के थोड़ी सिकाई करके उसको दूर कर दिया हमने। लेकिन क्या हुआ कि जब वो मेरी स्वेलिंग उतरी तो मेरी पूरी लेग में पेन हो गया। तो मुझे बिल्कुल आइडिया हो गया कि अभी मेरी साइटिका दोबारा आ गया है, क्योंकि मैंने सुना है कि साइटिका दोबारा लौट के जरूर आता है अगर आप थोड़ा सा भी उस पे ध्यान नहीं देते, मतलब क्योंकि वीक पॉइंट हो जाता है ना हमारा नर्व सिस्टम का। तो वही मेरे साथ हुआ, क्योंकि कारपेंटर लगे थे, थोड़ा लकड़ियां रखी थी, मैं बस उसमें मेरा पैर मुड़ गया। अब उससे क्या हुआ कि आप ये देखिए, 24 मई को मेरे को स्वेलिंग थी, 26-27 को स्वेलिंग कम हुई मेरी। आप ये देखिए कि 28 को जैसे वीना वीना मैम ने कहा कि वो सो रही थी तो उनको पेन हुआ, मेरे को शाम के टाइम में जब स्वेलिंग उतरी तो दर्द हो गया मेरे को। और मेरे को इतना दर्द था कि मेरी जो लेग थी वो हिल नहीं रही थी। मैंने फटाफट, घर पे कोई होता नहीं है क्योंकि बड़ी बेटी ऑफिस जाती है, छोटी बेटी की भी क्लास चलती है, बेटा भी नहीं, तो मैंने उठ के LRG9 का पूरा पाउच, शाम के करीब 5:30 का टाइम था, 5:15 5:30 बजे, क्योंकि थोड़ा रेस्ट का टाइम होता है और इवन वो टाइम होता है कि थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, कुछ भी है, पूरा पाउच मैंने LRG9 का पिया। उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ कुछ इसमें जान आई है। मैंने फिर जो सवेरे में 2 कर्कुमिन और वो खा लेती हूँ मैं गैनोडर्मा, लेकिन फिर भी मैंने मन नहीं माना। मैंने अपनी एक एक नोनी, एक कर्क्यूमिन और एक गैनोडर्मा तीनों निकाल के फौरन विद इन 5 मिनट्स में खा लिए। तो आप ये देखिए कि एलार्जिन का पाउच पिया और 3 चीजें ये खाई। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सामान सारा होता, लेकिन उसको किस टाइम पे कैसे यूज करना है वो भी आना चाहिए। अब मुझे लगा कि इससे थोड़ा मुझे फर्क नहीं लगेगा या लगेगा, मैंने कहा नहीं फर्क लगेगा मेरे को। लेकिन मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने ग्लूकोसामाइन, क्योंकि उस दिन मैंने खाया नहीं था, कैल्शियम मैंने उस दिन नहीं खाया था क्योंकि मेरे को पेन था तो मैंने नहीं खाया, मेरे को थोड़ा टाइम नहीं लगा। तो मैंने 6 बजने में 5 मिनट पे 2 ग्लूकोसामाइन और 2 कैल्शियम निकाले और मैंने वो खाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारी बोन भी कमजोर हो जाती है और हमारी मसल जब कमजोर हो जाती है तो उससे पेन और बढ़ जाता है। तो आप ये देखिए कि आधे घंटे के बाद 6:30 पे मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, 6:40 पे आ जाते हैं। तो मैंने, आप ये देखिए कि उस टाइम तक मेरे को इतना रिलीफ था कि मैं उठ के किचन में भी गई, मैंने फिर चाय बनाई, खाना भी पूरा बनाया। मतलब कि आप ये देखिए कि वो मेरी जो रात थी 8 बजे के बाद हल्का सा पेन हुआ। लोग कहते हैं कि हम LRG9 नहीं पी सकते, हमें हैवी लगता है, लेकिन मैंने फिर क्या करा, रात को जब मैं सो रही थी 10-10:30 बजे मैंने आधा LRG9 का पाउच दोबारा पिया और मैं उसको पी के सोई। मैंने आंवला एलोवेरा भी खाया 15 मिनट बाद, क्योंकि सोने का टाइम 11 बजे का लगभग मेरा है, मेरे को 11-11:15 हो जाते हैं रोज के। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं 9 बजे सो जाती हूँ, नहीं, मेरे को पूरा जब मैं फ्रेश काम कर लेती हूँ तो 11:11:15। आप ये देखिए कि मैंने जब वो दिन में मुझे पेन हुआ और शाम के समझिए 5 बजे तक, 5 से 7 घंटे का टाइम मान के लीजिए, तो मैंने अपने ही वेस्टीज के प्रोडक्ट से अपने अपने ही पेन को कम कर दिया। कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया मैंने, कोई टैबलेट नहीं खाई मैंने, कुछ नहीं लिया। और आज मेरे को समझ लीजिए कि 1 अगस्त है और पूरा जून जुलाई मैंने अपने ही प्रोडक्ट्स के साथ LRG9 के, मैंने कम से कम, मैं नहीं बता सकती कि मैंने कितने पाउच पी लिए, कितने दो तीन मतलब डब्बे वो पी चुकी हूँ कोलाजन, मतलब सब कुछ है और सब कुछ मैं डेली रेगुलर बेस पे ले रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी, उनको भी एक तरह से कहें जैसे कहते हैं ना कि अचंभित हो रहे हैं कि इसने तो एक टैबलेट ही नहीं मांगी मेरे से अब तक, वरना तो इतना दर्द होता था कि मैं बेड से हिल नहीं पाती थी। हाँ मैंने फिजियोथेरेपी जरूर करवाई, क्योंकि क्या होता है कि कई बार टांग ना आपकी अकड़ जाती है, क्योंकि जब आपका मॉइस्चराइजर खत्म हो जाता है और थोड़ी जो आपकी जो ताकत है वो खत्म हो जाती है ना, तो आपकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना वो टाइट हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है। तो उसके लिए मैंने जरूर फिजियोथेरेपी थोड़े टाइम करवाई, लेकिन ज्यादा टाइम मैंने नहीं करवाई। लेकिन मेरे को LRG9 से गैनोडर्मा, नोनी, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, इवन कोलार्जन, इवन एलोवेरा, आंवला, और इसके अलावा मैंने Q10, आई सपोर्ट और नीम, ग्लूको हेल्थ, और अब जो मौसम शुरू हुआ उसमें मैं रेस्क्यू केयर भी मैंने रेगुलर शुरू कर दिया। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ये नहीं खाती, नहीं, मैं अपने टाइम के अनुसार सब कुछ खाती हूँ और उसी के बेस पे मैं खड़ी हूँ। और आज कल भी इसलिए मैं रिसेंटली आपको एक्सपीरियंस दे रही हूँ कि कल ही मेरे घर में मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी और बात हो रही थी, तो मैंने कहा मेरी कम से कम 1 मंथ की मेडिसिन 5500 रुपये की आती थी, 5,500 रुपये।
उसके बाद करते करते वो कम नहीं हुई। कभी उन्होंने कहा इंजेक्शन लगवा लो या कुछ ग्लूकोज वगैरह के, ये सब कुछ जैसे होता ही है। तो आज आप देख लीजिए, नो नथिंग, सिर्फ मेरे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको मैं रेगुलर बेस पे लेती हूँ। ना मैं हस्बैंड को तंग करती, ना मैं किसी डॉक्टर की शक्ल देखती, क्योंकि हम अपने आप में ही पूरे हैं। ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। और प्रीति जी को पता है सब कि मेरे को कितना पेन था, कितना सब कुछ था। और अभी मिली थी परसों मुझे प्रीति जी, पूनम मैम, तो मुझे देख सकती थी कि मैं सही सुधार चल रही थी। तो बिल्कुल इसलिए हमारी परफेक्ट, एकदम पावर, परफेक्ट थी आप, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल। ये देख लीजिए कि हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोगों को तो एक्सपीरियंस हो चुका है। हम बार बार इसलिए कहते हैं कि सच में ही ये जो रामबाण है, जो जो भी हमारे सप्लीमेंट है, तो कुछ भी तकलीफ होगी उसके लिए सब अवेलेबल है। तो आप टाइम से लीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। विश यू वेल्थ।